क्या आप जानते हैं कि सुबह खाली पेट सिर्फ कच्चा लहसुन खा लेने से ही आप कितनी बीमारियों से बच सकते हैं? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कच्चा लहसुन क्यों खाना चाहिए और ये आपको किन किन बीमारियों से बचाएगा, किन कंडीशंस में कच्चा लहसुन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और क्यों, और कच्चा लहसुन किस समय और कैसे खाना चाहिए ताकि आपको उसका पूरा फायदा मिल सके। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दियों के मौसम में अगर आप भी सर्दी जुकाम से परेशान रहते हैं तो इसका इलाज लहसुन में छुपा है। कच्चे लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से खांसी जुकाम में राहत मिलती है। इसे रोजाना खाने से शरीर को गर्मी मिलती है, जिसकी वजह से सर्दियों में ठंड भी कम लगती है। जिन लोगों के पेट में गैस या एसिड बहुत ज्यादा बनता है, उन्हें भी कच्चा लहसुन जरूर खाना चाहिए। इससे पेट की समस्याएं ठीक होती हैं और साथ ही ये पेट के कीटाणुओं को मारने में भी मदद करता है, जिससे आपकी भूख बढ़ती है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है तो आपको भी कच्चा लहसुन खाना चाहिए। कच्चे लहसुन में एलिसिन नाम का पदार्थ होता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करता है। इससे दिल से संबंधित बीमारियां भी कम होती हैं। जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में तो कच्चा लहसुन हम सभी को हर रोज खाना चाहिए। इस बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से बहुत से लोग लंग कैंसर के शिकार हो रहे हैं। तो जब आप कच्चा लहसुन हर रोज खाते हैं तो उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आप ऐसी गंभीर बीमारियों से भी बचे रहते हैं। उसी तरह जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उन्हें भी इस लंग कैंसर से बचने के लिए कच्चा लहसुन हर रोज खाना चाहिए। जिस तरह लौंग दांतों के दर्द में फायदेमंद होता है, उसी तरह लहसुन भी दांतों के दर्द के लिए बहुत बढ़िया होता है। लहसुन का पेस्ट दर्द वाले जगह पे लगाने से दर्द में आराम मिलता है और इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से इससे दांतों में इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। कच्चे लहसुन में एलिसिन होता है, जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या बेहतर होती है। यही नहीं, ये मेल हार्मोन लेवल्स को भी बैलेंस करता है। जिन लोगों को ब्लड क्लॉटिंग की समस्या रहती है, उन्हें भी कच्चा लहसुन जरूर खाना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है और खून पतला करने में मदद करता है। ये तो हुए कच्चे लहसुन खाने के फायदे। अब बात करते हैं कि किन कंडीशंस में आपको कच्चा लहसुन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कच्चा लहसुन उन लोगों के लिए तो फायदेमंद है जिन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम है, पर जिन्हें लो बीपी की समस्या है वो इसे ना ही खाए, क्योंकि कच्चा लहसुन खाने से ब्लड प्रेशर कम होता है, तो जिन्हें ये समस्या पहले से ही है उन्हें ये नुकसान कर सकता है। जिनका लिवर कमजोर होता है, उन्हें खाली पेट कच्चा लहसुन नहीं खाना चाहिए। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो कि कमजोर लिवर सहन नहीं कर सकता। इसलिए जिन लोगों का लिवर थोड़ा भी कमजोर है, वो इसे अवॉइड ही करें। कच्चे लहसुन की तासीर गर्म होती है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज इसका सेवन ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि प्रेगनेंसी में गर्म तासीर वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, इसलिए कच्चा लहसुन खाने की भी सलाह नहीं दी जाती। कच्चा लहसुन खून पतला करने में लाभदायक होता है, पर इसे किसी भी सर्जरी से पहले नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे इंटरनल ब्लीडिंग होने का खतरा बन सकता है। अब बात करते हैं कि इसे खाने का सही तरीका क्या है। हर रोज सुबह खाली पेट आप लहसुन की 2 कलियां गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। जो लोग कच्चा लहसुन नहीं खा पाते, वो लहसुन को भूनकर खाने के साथ या पानी के साथ भी ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कच्चे लहसुन की तेज स्मेल पसंद नहीं होती, तो वो इसकी चटनी बनाकर भी खा सकते हैं। तो जब कच्चा लहसुन खाने के इतने फायदे हैं, तो आप इसे कब से खाना शुरू कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।